अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज 14 रजब 536 हिजरी 1142 ईस्वी को पीर के दिन सिस्तान ईरान देश का एक गांव में पैदा हुए। कुछ विद्वान की इनकी पैदाइश की तारीख और जन्म की जगह को अलग अलग बताते हैं। बहरहाल 9 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान हो गए। ख्वाजा साहब की ताली उनके घर पर ही हुई थी। विरासत में आपको एक छोटा सा बाग और एक पैन चक्की मिली थी। हजरत इब्राहिम कंदोजी से मुलाकात होने के बाद जब दिल की दुनिया बदली तो उसे बेचकर पैसा गरीबों में बांट दिया और खुद हक की तलाश में निकल पड़े। आपने अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूरी रहमतुल्लाह अलैह की 20 साल तक खिदमत की। इस दौरान आप हजरत का बिस्तर, खाने के बर्तन, पानी की मश्क और अपना सामान कंधे पर लाद कर घूमते फिरे। आपने 51 बार पैदल हज फरमाया और 52 साल की उम्र में 587 हिजरी 1192 में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। अजमेर पहुंचकर आपको इस्लाम की तबलीग शुरू करने से पहले किन किन हालात से दो चार होना पड़ा उसे दोहराने की जरूरत नहीं। बहरहाल आपने अपनी रूहानी ताकत से शाही और शैतानी ताकतों का मुकाबला फरमा कर उन्हें जेर फरमाया। आप हमेशा लोगों के लिए काफी फिक्रमंद रहते थे। आप गरीबों दुखी लोगों के मसीहा बने, इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बनाकर इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। आपने अजमेर और आसपास के इलाकों में इस्लाम, अमन और शांति का पैगाम घर घर पहुंचाया। अपने एक ही कपड़े में जिंदगी बिताई। कपड़े फटने पर पैवंद लगा लिया करते थे। पैवंद लगाते लगाते उसका वजन 6.5 किलो हो गया था। 6 रजब 633 हिजरी में आप अजमेर में पर्दा फरमा गए। इंतकाल के बाद आपकी पेशानी पर नूरानी हरफों में लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्ला माता फी कुतुबुल्ला, मतलब कि ये अल्लाह का दोस्त है जिसने अल्लाह की मोहब्बत में वफात पाई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से हिंदुस्तान में इस्लाम का नूर फैला। आपने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। कई कई दिनों तक भूखे रहने के बाद सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। आप 24 घंटे के अंदर पूरे कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करते थे। आपने तकरीबन 70 साल तक लगातार पूरी रात आराम नहीं फरमाया। आप 70 साल तक दिन रात के अक्सर औकात बावजू रहे। आप तो वली थे ही लेकिन आप जिस पर एक नज़र डाल देते वो भी वली हो जाता। काफी दिनों तक आप इस तगराक किस चीज में डूब जाना के आलम में रहे, आँखें बंद किए जिक्र इलाही में गुम रहते। नमाज के वक्त हुजरे से बाहर तशरीफ लाकर जमात से नमाज अदा फरमाया करते थे। आज भी आपका आस्ताना दिन दुखियों और हक परस्तों के लिए मरकज अकीदत बना हुआ है, जहां रोजाना हजारों आते हैं और फैज पाते हैं। आज भी अजमेर को आपके नाम से दुनिया में जाना जाता है। सालाना उर्स के दौरान दुनिया भर के लाखों लोग आपके दरबार में दुआएं और मुरादें मांगने आते हैं।